जिनकी कुंडली में होता है ये अशुभ योग, उसे अपने जीवन में करना पड़ता है अपमान और आर्थिक तंगी का सामना। नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। जन्म कुंडली में अशुभ योग की उपस्थिति अशुभ फल देते हैं। कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों में एक योग है साकट योग। इस योग के निर्माण से व्यक्ति का पूरा जीवन दुखों से भरा रहता है। व्यक्ति के जीवन में सभी क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपमान, भय, चोरी, दंड, आर्थिक तंगी, धन हानि का सामना करना पड़ता है। साकट योग व्यक्ति को भोग विलासिता का जीवन जीने वाला और व्यभिचारी बना देता है। साकट योग का अर्थ है घूमता हुआ पहिया, जिसका एक हिस्सा कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, यही हाल होता है जिसकी कुंडली में साकट योग होता है। जिनकी कुंडली में साकट योग होता है उन्हें जीवन भर कभी दुख तो कभी सुख, कभी अमीरी तो कभी गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बनता है साकट योग। यह योग तभी बनता है जब सभी ग्रह प्रथम व सप्तम भाग में उपस्थिति हो। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार भी इस योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से गुरु जब षष्ठम या अष्टम भाव से होता है तो लग्न केंद्र गुरु बाहर रहता है, तब जन्मपत्री में यह शुभ योग बनता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपमान, कष्ट, धन की कमी, शारीरिक कष्ट, मानसिक दंश मिलता है। जो व्यक्ति इस योग से पीड़ित है उनकी योग्यता को सम्मान नहीं मिल पाता। सकट योग या भंग योग। अगर आपकी कुंडली में सकट योग है तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह कुछ ग्रह की स्थिति के कारण अशुभ सकट योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो कुछ शुभ ग्रह स्थित आपको इससे बचा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा बलवान एवं मजबूत स्थिति में होने के कारण व्यक्ति सकट योग से आने वाली परेशानियों के कारण घबराता है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने मान और सम्मान को प्राप्त कर लेता है, साथ ही जीवन का हर सुख प्राप्त कर लेता है। लग्नेश और भाग्येश के लग्न में मौजूद होने पर जीवन के उतार चढ़ाव के होने पर भी व्यक्ति मान सम्मान के साथ जीवन जीता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होती है उनका सकट योग भंग हो जाता है। धन्यवाद।